अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इफ यू न्यू हियर खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ इंस्टाग्राम हैक्स। बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप इंस्टाग्राम हैक्स भी बनाएं आफ्टर माय व्हाट्सएप हैक्स वीडियो, तो आज मैं आपके लिए वो तीन अच्छे से बहुत ही इंटरेस्टिंग इंस्टाग्राम हैक्स लाएंगी जो कुछ लोगों को पता है लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वो नहीं पता। तो अगर आपको ऐसी वीडियोज पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि आपको हैक्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं आपके लिए और भी मजीद बहुत सारे हैक्स लेके आऊंगी। लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। अगर आप अपने किसी जाने वाले की या किसी राइवल पार्टी की स्टोरी देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उनको पता भी ना चले कि आपने उनकी स्टोरी देखी है, लेकिन आप पूरे मजे से पूरी की पूरी स्टोरी आप उनकी देख सकें, तो वो कैसे करेंगे आइए जानते हैं। तो भाई इस तरह से आप अगर एक स्टोरी खोलते हैं और आप बराबर वाले की स्टोरी देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से देख सकते हैं और उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने देख ली। यहाँ पे जाके आपको पूरी की पूरी स्टोरी नजर आ जाती है के क्या हो रहा है, और आप इस साइड पे भी जा सकते हैं और यहाँ पे भी स्टोरी देख सकते हैं। कैसा लगा आपको ये तरीका, है ना अच्छा? अब आप आराम से जाके अपने सब राइवल पार्टी जाने वाले हर किसी को स्टॉक कर सकते हैं और आपको कोई मसला नहीं होगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे हैक की तरफ। दूसरा हैक है, जब आप इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं तो कभी कभी आपका दिल करता है कि उसको सेव कर लें, लेकिन इंस्टाग्राम आपको ये ऑप्शन नहीं देता। तो आप किस तरह से वो इंस्टाग्राम रील को अपने फ़ोन के कैमरा रोल में सेव कर सकते हैं और आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप या कुछ भी यूज़ करना नहीं पड़ेगा, आपको आप डायरेक्ट उसको इंस्टाग्राम की ऐप से ही डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं चले जानते हैं। तो जब आप अपनी इंस्टाग्राम फीड पे स्क्रॉल करते हुए किसी भी रील के ऊपर आते हैं तो उस रील पे आपको कोई भी सेव करने का ऑप्शन नहीं आता कि वो आपके कैमरा रोल में डायरेक्टली सेव हो जाए। तो उसका क्या तरीका है, आप यहाँ पे इसको रीश यहाँ पे शेयर का बटन दबाएंगे अपनी स्टोरी पे शेयर करने के लिए, और यहीं से आपके पास या तीन डॉट के साथ एक ऑप्शन आता है सेव का, वहां से जाके आप इसको सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसकी साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं कि आपको जो है ऐसी फील ना आए कि यह आपने कहीं से उठा के डाउनलोड की है। तो यहाँ से जब आप इसको इतना इसका साइज इंक्रीज कर देंगे, यहाँ पे जाके आप इसको सेव कर दें तो ये डायरेक्टली आपके कैमरा रोल में सेव हो जाएगी एज अ वीडियो फॉर्मेट। तो चलें हम अपने तीसरे हैक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या है। तो अब हमारा जो तीसरा हैक है वो है इंस्टाग्राम मैसेजेस के बारे में। यहाँ पे जब मैंने TY लिखा तो ये इसने खुद थैंक यू ट्रांसलेट करके आगे भेज दिया। अब यहाँ पे मैं HRU लिख रही हूँ तो वो खुद ट्रांसलेट करके हाउ आर यू भेज रहे हैं। इसको कैसे पता चल रहा है कि मुझे क्या लिखना है? तो उसका हैक ये है कि पहले तो सबसे पहले आपको अपने अकाउंट को बिजनेस अकाउंट पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, और जब आप उसको बिजनेस अकाउंट पे ट्रांसफर कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन आएगा। जब आप इस प्लस के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ एक तीन डॉट्स के साथ मैसेजेस सेव रिप्लाईज का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे जाके आप कोई भी रिप्लाई को सेव कर सकते हैं और उसका एक शॉर्टकट बना सकते हैं जिसको यूज करके आप कोई भी मैसेज इजीली वहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं और उसके साथ आप उसको सेंड कर देंगे तो आपके बहुत सारे इम्पोर्टेंट सेकेंड्स बच जाएंगे। तो ये थे हमारे इंस्टाग्राम के तीन हैक्स जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए। तो मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा हैक अच्छा लगा और इसमें से कौन सा हैक आप ऑलरेडी यूज करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।